नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 5 मार्च 2023 से चालू कर दी गई है। इसकी आवेदन की प्रारंभ तिथि 25 मार्च 2023 से है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल को है। लाडली बहन योजना से सूची जो जारी होगी वह 1 मई को जारी होगी और अंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि 1 मई से 15 मई तक है। आपत्ति निराकरण हेतु अवधि 16 मई से 30 मई तक है। अंतिम सूची जारी करने का दिनांक 31 मई है। और दोस्तों, इस योजना में प्रथम राशि अंतरण तक 10 जून 2023 से आना चालू हो जाएगा। बाद के महीनों में हर महीने 10 तारीख को भुगतान सरकार द्वारा हितग्राही खाते में किया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए? यह योजना केवल हमारे गांव शहरों की बहनों के लिए है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। दूसरा, उन बहनों के लिए है जिनके परिवार के सदस्य का कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो। तीसरा, यदि बहन के परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी है या सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। यदि आप स्वयं किसी सरकारी योजना से मासिक 1000 रुपये या उससे अधिक का लाभ प्राप्त कर रही हैं तो भी आप इस योजना की पात्र नहीं होंगी। आपके परिवार में कोई वर्तमान अथवा भूतपूर्व विधायक है तो आपको लाडली बहन योजना 2023 का लाभ नहीं मिल सकेगा। दोस्तों, इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, यदि आपके पास किसी के नाम से आपके परिवार में चौपहिया वाहन जैसे कि ट्रैक्टर आदि पंजीकृत है तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अब आइए जानते हैं इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश लाडली बहन योजना के लिए आवेदन चालू हो गया है जिसे आप 25 मार्च से चालू कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 10 जून से लाभ मिलने लगेगा और हर महीने की 10 तारीख को आपके खाते में लाभ पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अभी सिर्फ इसका घोषणा किया गया है और आवेदन पत्र भरने के लिए शिविर आयोजित करने की घोषणा की। वर्तमान में हर पंचायत में पात्र लाडली महिलाओं का सर्वे चल रहा है। लाडली बहन योजना के तहत हर पात्र लाभार्थी अपने पंचायत के कैंप में आवेदन पत्र भर सकता है। ऑनलाइन अप्लाई भी पंचायत में कैंप के जरिए ही होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके तहत आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत कार्यालय या सामुदायिक भवन में जाकर वहां के कर्मचारियों से बात करें। पंजीकरण के लिए कर्मचारियों का आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रदान करें। ग्राम पंचायत अधिकारियों की मदद से EKYC की प्रक्रिया पूरी करें। दोस्तों, EKYC की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप अपना फार्म भरें। फार्म भरने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए? परिवार की समग्र आईडी एवं स्वयं की समग्र आईडी, आधार कार्ड जो कि आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, समग्र आईडी की EKYC होना चाहिए, मोबाइल नंबर जिस पर आवेदन के समय आपका OTP भेजा जाएगा। फार्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी अटैच करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए ओरिजिनल आईडी दिखाना ही पर्याप्त होगा। दोस्तों, इसके साथ आपको जरूरी जानकारी बता देते हैं। समग्र एवं आधार में हितग्राही की जानकारी समान होना चाहिए। MP लाडली बहन योजना प्रमाण के लिए आय प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सभी अपडेट कार्य समग्र आईडी में EKYC 25 मार्च से पहले ही पूर्व कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कौन सी महिलाएं पात्र होंगी? 23 से 60 वर्ष की आयु तक की विवाहित, तलाकशुदा, विधवा या फिर हर प्रकार बुजुर्ग महिला इसकी पात्र नहीं होगी। बुजुर्ग महिला को 600 रुपये जो पेंशन राशि मिल रही है उसे 400 और अधिक बढ़ाकर कुल मिलाकर 1000 रुपये किया जाएगा। दोस्तों, चयनित उम्मीदवार के खाते में 10 तारीख को उनके बैंक खाते में 1000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के लाभ क्या है और विशेषताएं? दोस्तों, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 5 वर्ष में 60,000 करोड़ की राशि पात्र बहनों के बीच आवंटित किया जाएगा। निम्न वर्ग के साथ मध्यम वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना से मिलने वाली धनराशि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। हर लाडली बहन को उसके खाते में 10 महीने तक 10 तारीख तक पैसा पहुंचाया जाएगा। इस योजना की से मध्य प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भर बन पाएंगी। तो दोस्तों, अब आप अपने पंचायत में जाकर इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दें, इसके लिए एक बार फिर आपको कुछ जरूरी शर्तें बता देते हैं। 23 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं जो विवाहित हैं वही इसकी पात्र होंगी। जिनके परिवार की आय 2.5 लाख से अधिक न हो वही परिवार वाली बहन इसकी पात्र होगी।
5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान परिवार की बहनें इसकी पात्र होंगी। जिसके घर में कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करता हो वह बहनें इसकी पात्र होगी, अथवा जिनके बहनों के घर में परिवार में 4 पहिया वाहन न हो वह इसकी पात्र होगी। ये सब ध्यान से सुनना, मैं इसलिए कर रहा हूँ ये ताकि आपको क्या क्या भरना है वो पता रहे।